आज हम बनाएंगे सूजी और सब्जियों का बहुत हल्का और टेस्टी नाश्ता, जो कि आप बच्चों के टिफ़िन में और अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 3 कप सूजी और 1 कप दही ली थी और 2 कप पानी लिया था। अब इसमें हम नमक डालेंगे और नमक डाल के इसको हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो चलिए अब इसके लिए हम सब्जी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पैन में डाल दिया तेल और साथ में राई। राई हमारी चटक गई है, हम यहाँ पे डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को भी हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर सब्जियों में अच्छे से आ जाए। और अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे हल्का। हमारे प्याज भी हल्के फ्राई हो गए हैं। अब साथ ही में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और यहीं पे हम डाल देंगे बारीक कटे हुए अपने गाजर को। गाजर को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इनको आप पूरी तरह से नहीं पकाएं, केवल 50% ही पकाएं। ये देखिए हमारे गाजर भी आधे पक चुके हैं। तो चलिए इन्हें अब हम ठंडा कर लेते हैं। सब्जी हमारी ठंडी हो चुकी हैं। इन बैटर में हमने डाला हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ में ठंडी की हुई फ्राई वाली सब्जियों को भी डाल दिया। अब इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो सब्जियों को फ्राई ना करें, सब्जियों को कच्ची ही डाल सकते हैं, पर फ्राई करने से सब्जियों का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। हमने बैटर को अपने मिला लिया है और मैंने यहाँ पे आधा बैटर को निकाल दिया था क्योंकि मुझे पूरा अप्पे नहीं बनाना था। जितने आपको बनाना हो उतने में इनो मिलाएं। यहीं पे हमने 1 पाउच इनो डाल दिया और साथ में 1/2 कप पानी डाल दिया। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने अप्पे पैन भी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमारा अप्पे पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। हर खानों में आप ऑयल लगा लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच के आसपास ही इस डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये बाहर भी आ जाएंगे। अब इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आइए अब इन्हें देखते हैं। ये देखिए हमारे अप्पे एक साइड पक चुके हैं, तो सारे अप्पों को हम ऐसे ही पलटा देंगे। सारे अप्पों को हमने पलटा लिया है। चलिए इन्हें ढक देते हैं, दूसरी साइड भी पका लेते हैं। दूसरी तरफ भी हमारे अप्पे ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। इन सारे अप्पों को हम निकाल लेंगे। तो चलिए अभी इन्हें मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना बढ़िया हमारे फूले फूले एकदम सॉफ्ट अप्पे बने हैं। आइए मैंने अब तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने कलरफुल। ये जितने दिखने में अच्छे हैं उनका टेस्ट खाने में भी काफ़ी अच्छा है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।